नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पटना में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां 10 दिनों के लिए बिहार में लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया गया है। जिस तरह से दबाव बन रहे थे पटना हाईकोर्ट के द्वारा, IMA के द्वारा, लगातार ग्रुप मैनेजमेंट के द्वारा सुबह से ही बैठक चल रही थी और हाई कोर्ट ने इसके लिए लगातार सरकार के कमियों को उजागर कर रही थी और लगातार दबाव बना रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार बैठक के बाद और आज इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 10 दिनों के लिए लॉकडाउन पूर्णतः लगा दिया गया है बिहार में। लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीज मिल रहे थे और लगातार कोरोना के कारण मौतें भी हो रही थी, जिसको लेकर अभी इस वक्त मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि 10 दिनों के लिए बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन लगा दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारियां दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि 10 दिनों के लिए ये ट्वीट करके जानकारी दी है। लगातार सुबह से ही बैठक चल रही थी और तमाम मंत्रीगण के द्वारा ये बैठक में निर्णय ले लिया गया है कि मुख्यमंत्री ने 10 दिनों के लिए पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बन रहा था विपक्षी पार्टी के द्वारा या हाईकोर्ट के द्वारा, IMA के द्वारा लगातार दबाव बन रहे थे, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। लगातार इस चैन को तोड़ने के लिए, कोरोना को चैन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन लगाना अनिवार्य था, जिसको लेकर ये बैठक में निर्णय इस वक्त ले लिया गया। तब तक के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।